बात करें 12th क्लास बायोलॉजी का जो रिड्यूस सिलेबस है, जो सिलेबस रिड्यूस हो गया ना, जो काट दिया गया है, तो पहला चैप्टर हटा दिया गया है, तो नई वाली एनसीईआरटी के आधार पर ये दूसरा चैप्टर है, पुरानी वाली एनसीईआरटी के आधार पर ये तीसरा चैप्टर है। क्लियर हुआ? जो कि हमारा जो तीसरा चैप्टर है इसका नाम है मानव जनन। कुछ कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सारी चीज़ें हिंदी में नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ज़रूरी है। क्लियर? 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? मानव जनन। अब मानव जनन को हम बोलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मेरी बात सुनिए, जितने वर्ड हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो आपको हिंदी के साथ साथ उन सारे वर्ड के इंग्लिश जरूर लिखने हैं। क्लियर हुआ? तो देखो, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं मानव जनन। मानव जनन को हम इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि आपके 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर हम बोल सकते हैं न्यू वाली एनसीईआरटी के आधार पर। क्लियर? चलो, तो यदि अब अपन इसको बात करें बेटा कि मानव जनन एक्चुअल में कैसे होता है, हम पहचानते कैसे हैं, तो एक चीज़ याद रखना, यदि हम ह्यूमंस के स्केलेटन की बात करें, मतलब हमारे शरीर से यदि स्किन और मसल्स को हटा दिया जाए, तो जो हमारे शरीर का ढांचा बचेगा, जो हमारे शरीर का कंकाल तंत्र बचेगा, वो लड़का और लड़की का सेम होता है। लड़के और लड़की के शरीर से यदि हम बाहर का स्किन और मसल्स हटा दें, तो जो कंकाल तंत्र है वो लगभग सेम होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लड़का और लड़की में बेसिक सा डिफरेंस होता है सिर्फ उनके बनावट पर, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। यदि हम डिफरेंस हो रहा होता तो एक ही क्लास में लड़का और लड़की बैठ के नहीं पढ़ रहे होते। एज इट इज सेम होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों सेम होते हैं, सिर्फ उनकी बॉडी में जो भी चेंजिंग होती है, तो क्या चेंजिंग होती है? शेप, मसल्स का, स्किन का, इन सब चीज़ों में बेसिक चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं। क्लियर हुआ? इसी आधार पर हम इस वाले पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि लड़का और लड़की में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो अलग अलग होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सिमिलर होती हैं। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अब मैं इसको प्रूव करूँगा। जितने भी लड़के होते हैं, हर लड़कों में लड़कियों के सारे सेक्सुअल ऑर्गन उपस्थित होते हैं। जितने भी जनन अंग गर्ल्स में होते हैं, उतने ही जनन अंग बॉयज में होते हैं, और जो जनन अंग बॉयज में होते हैं वो सारे जनन अंग गर्ल्स में होते हैं। अभी प्रूव करूँगा, गलत होऊंगा तो बताना। जितने सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल में होते हैं, सारे सेक्सुअल ऑर्गन मेल में होते हैं, और जितने सेक्सुअल ऑर्गन मेल में होते हैं, सारे सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल में होते हैं। क्लियर हुआ? और सुनो, मैंने क्या बोला, जितने सेक्सुअल ऑर्गन मेल में हैं, उतने ही सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल में होते हैं। जब बच्चा इंट्रा यूटेराइन लाइफ मतलब कि जब बच्चा पेट में होता है, स्टार्टिंग के 3-4 महीने तक नहीं पता चलता है कि लड़का है कि लड़की, लड़का है लड़की कब पता चलता है? जब बच्चा बाहर आता है। अब सुनो मेरी बात, अभी कुछ सालों पहले एक न्यूज सुना होगा कि कोई लड़का माँ बना है, मतलब जैसे लड़कियों में बच्चा दानी होता है जहाँ बच्चा रख सकते हैं गर्ल्स में, सेम ऐसे लड़कों में भी बच्चा दानी होती है जहाँ पे बच्चा रख सकता है पेट में लड़का भी। मत करो ना यार, मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। क्या क्या है वो बताओ, तो थोड़ा सुन लो ना अच्छे से। क्या बोला मैंने कि जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन गर्ल्स में होते हैं सेम टू सेम बॉयज में होते हैं, मतलब कि जैसे जो बच्चा 9 महीने तक जब गर्ल मतलब माँ के पेट में रहता है ना, तो वैसी ही स्ट्रक्चर लड़कों में भी होती है जहाँ बच्चा 9 महीने तक रह सकता है। समझ गए? ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आप समझो, ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे गर्ल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वैसे ही बॉयज में हार्मोन्स होते हैं। किसी किसी लड़कों में लड़कियों वाले कैरेक्टर होते हैं,
किसी किसी लड़कियों में लड़कों वाले करेक्टर्स होते हैं, तो सिर्फ हारमोन्स पे डिपेंड करता है। किस पे? हारमोन्स पे। हारमोन्स एक ऐसा केमिकल्स होता है जो हमारे बिहेवियर और हमारे नेचर को डिसाइड करता है। जब हमको गुस्सा आता है तो हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से एक हारमोन्स निकलता है जिस वजह से हमको गुस्सा आता है। समझ गए? हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हारमोन्स निकलता है जिससे हमको ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में वृद्धि होती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म हैं, सारे के सारे मैकेनिज्म हारमोन्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो किसी फीमेल के मेमरी ग्लैंड में यदि निप्पल्स होता है तो मेल में भी निप्पल्स होते हैं। फीमेल में डेवलप हो जाता है, मेल में डेवलप नहीं होता। आपने देखा होगा ये जो लड़कों में लड़कों वाले जो हारमोन्स होते हैं ज़्यादा डेवलप होते हैं, लड़कियों वाले हारमोन कम डेवलप होते हैं। लड़कियों में लड़की वाले हार्मोन ज़्यादा डेवलप होते हैं, लड़कों वाले हार्मोन कम डेवलप होते हैं। कभी कभी तुम किसी गर्ल्स में देखे होगे दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, कई बार नोटिस किया होगा यहाँ पे दो चार बाल से आ जाते हैं। एक हमारे बैच में लड़की थी, नाम नहीं लूँगा, है ना, तो उसके आती थी यहाँ भी दाढ़ी आ जाती थी, पूरी यहाँ आ जाती, तो एकदम पूरा क्लीन शेव करवाती थी, रेजर रखी थी वो, तो हार्मोनल लोचा होता है और ऐसा होता है। कई बार तुम देखे होगे कई सारे लड़के ना एकदम बहुत भयंकर चुगलखोर होते हैं लड़कियों जैसे। बताना क्या हुआ इधर से? ज़्यादातर ये चीज़ें महिलाओं में होता है ना, लेकिन कुछ कुछ लड़कों में भी ये होता है। कुछ कुछ लड़कियाँ बहुत दमदार होती हैं, कोई भी चुगलखोरी नहीं करती हैं, जैसे तुम लोग, है ना। कुछ 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 गर्ल्स जो है चुगलखोर नहीं होती, मतलब उनके लड़कों वाले करेक्टर्स हैं, मतलब लड़कियां हैं तो चुगलखोर तो होंगी ही। समझ गए? तो इस तरह से मैं सिर्फ ये बताया हूँ, लड़के और लड़कियां लगभग बराबर होते हैं। जो भी उनके शरीर में कुछ बहुत परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होती है, वो हारमोन्स की वजह से होती है। बेसिक मैं बताता हूँ, यदि हम बात करें तो बॉयज के चेस्ट में बाल आते हैं, गर्ल्स में नहीं आते। कभी भी तुम टकली लड़की नहीं देखे होगे, कंप्लीट प्योर टकली देखो क्या, कभी भी तुम टकली लड़की नहीं देखे होगे। कभी भी कोई लड़की कंप्लीट टकली नहीं हो सकती, क्योंकि उसके शरीर में हारमोन्स ही नहीं है वो वाला जो टकला करे। लेकिन ज़्यादातर लड़कों को देखो एकदम चिकने हो जाते हैं, ज़्यादातर मतलब मेल में क्या होते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई अपने को इस चैप्टर में? अभी बेसिक इतना समझ में आया कि गर्ल्स और बॉयज लगभग सेम होते हैं। अब चलो, मानव मतलब अपन लोग, जनन मतलब कि, अच्छा जनन की प्रोसेस क्या होती पहले हम ये समझेंगे। मैं सेक्सुअल ऑर्गन मतलब कि जनन के कुछ यहाँ पे डेमो डायग्राम बना के रखा हूँ, आप देख पा रहे हो ये वाला जो जनन है, तो यहाँ पे देखो सेक्सुअल ऑर्गन में बेटा यहाँ पेनिस बना हुआ है। पेनिस को हिंदी में बोलते हैं सिस्न, क्लियर। और यहाँ पे बना हुआ है वृषण, यानी कि टेस्टिस, क्लियर हुआ। तो पेनिस और टेस्टिस से अपने को पता चलता है कि ये क्या है, मेल। यदि हम फीमेल में बात करें तो मैमरी ग्लैंड, और ये बना हुआ है यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बच्चादानी। यहाँ पे बच्चा रहता है यहाँ, तो ये वाला अपन डायग्राम देख के हम बता सकते हैं कि ये फीमेल। यदि इसके मतलब इसकी स्किन और मसल्स को दोनों को हटा दिया जाए, एक ढांचा दे दिया जाए, तो नहीं बता पाएंगे कैसे मेल है कौन फीमेल। हालांकि बता सकता हूँ, यदि तुम सिर्फ स्केलेटन दे दो कि ये मेल का स्केलेटन या फीमेल का स्केलेटन, तो देख के बता सकता हूँ, लेकिन वो बताने के लिए तुमको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। क्यों हम बोलते हैं पेल्विक बोन, क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन जो होती है फीमेल की ज़्यादा चौड़ी होती है। पेल्विक बोन जो है फीमेल की ज़्यादा चौड़ी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा रहना है। मान लो यदि मतलब इस जगह पे मतलब पेल्विक बोन जैसे ये फीमेल है, तो इतने जगह में बच्चा रहेगा। यदि मान लो ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ऐसे बनाओ ऐसे, ये देखो ये पेल्विक बोन है, समझना, ये अभी पेल्विक रीजन है, ये फीमेल का पेल्विक रीजन है, और मतलब ये फीमेल का पेल्विक रीजन है, ये मेल का पेल्विक रीजन है। यदि फीमेल का पेल्विक रीजन सकरा हो गया, तो जो बच्चा यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि बच्चा यहीं रुकता है, तो बच्चा जो यहाँ रुकेगा, पता चला बच्चे का मुंह इधर फूल गया,
है ना, बच्चा ऐसा हो गया तो पता चले बच्चे का मुंह इधर बाहर आ रहा है, इधर पैर बाहर आ रहे, ऐसा नहीं होता ना जी, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, बच्चा कंप्लीट यहाँ रहता है। इस वजह से फीमेल का जो रीजन है ये वाला थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू मेल, समझ गए? नहीं तो पता चले कि बच्चा यहाँ पे इधर इसका मुंह दिख रहा है, इधर पैर, ये चौड़ा होता है फीमेल का, क्लियर, मेल के कंपेयर में। तो ये हो गया हमारा इसका जनरल जनरल इंट्रोडक्शन किसका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भैया मानव में जनन क्यों जरूरी है, मानव में जनन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, मानव में जनन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो मानव को अपनी संतति या अपनी जनरेशन या अपनी पुश्त पीढ़ी, अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। यदि दादाजी के पापा जी नहीं होते तो हम कहाँ से होते, हम नहीं होते तो वो कहाँ से होते, फिर उनके वो कहाँ से होते, तो ऐसे लेके वहीं के वहीं पुश्त जो है पीढ़ी जो है खत्म हो जाती, समझ गए? तो अपनी जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को कंटिन्यू आगे बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम नया बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, समझ में आया? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, नया बच्चा बोलना जरूरी है, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, कहीं पा गए बोले ये मेरा है, तो समझ गए? इसीलिए नया बोलना जरूरी है, न्यू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, ठीक है, नया बेबी। अच्छा बेबी आजकल गलत वर्ड भी यूज करने लगे, बोलते ना सोना बेबी, वो गलत मैसेज है, इसलिए पहले मैं बेबी बोलता था लेकिन अब नहीं बोलता, समझ गए? तो सुनो, जनन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया एकदम सही बोल रहा हूं मैं, सुनो, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जनन। हमारे एनसीईआरटी में जनन पढ़ने के लिए ऐसा बताया गया है कि जनन पढ़ने के लिए आपको दो जनक की जरूरत है। जनक मतलब समझ गए, सीता माता के पिताजी नहीं, उनका भी जनक जी नाम है, वो नहीं, यू नो सीता माता, जानती हो सीता माता को कौन है? हाँ पता है। तो यहाँ पे नर जनक और मादा जनक, नर जनक और मादा जनन जनक, इन दोनों के बीच में कुछ कुछ होता है और समझ गए, नया बच्चा पैदा होता है और इसको पैदा होने में समय लगता है 9 महीने का, कितने समय लगता है 9 महीने का, क्लियर हुआ? तो अपने को देखो, मानव में जनन क्यों जरूरी है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जनन जरूरी है, और जनन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम नया बच्चा पैदा कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं जनन। आपके एनसीईआरटी में भी हम बात करें तो इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं मानव जनन के लिए, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट है बेटा, यदि वीडियो में ब्लर आ रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ लिख लेना, क्योंकि व्हाइट कलर में थोड़ा डिस्प्ले ब्लर आएगा। तो पहला है परिचय, इंट्रोडक्शन, दूसरा है नर जनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं जो बोल रहा हूँ इंग्लिश भी लिख लेना, पहले परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, फिर नर जनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्त्री जनन तंत्र, स्तन या छाती मतलब मैमरी ग्लैंड्स, फिर युग्मक जनन मतलब नर में दूल्हा और मादा में दुल्हन, शुक्राणु की संरचना मतलब स्पर्म का बनना, रज चक्र मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स, एस्ट्रस साइकिल ये गाय भैंस में होता है, गाय भैंस बकरी इनमें भी तो बच्चे पैदा होते हैं लेकिन पीरियड्स कहाँ आते हैं, प्रजनन की कार्य की मतलब कि प्रजनन की प्रोसेस कैसे होता है, फिर प्रजनन स्वास्थ्य मतलब उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां,
मनुष्यों में लिंग निर्धारण, मतलब कि जब लड़का और लड़की बन रहे थे तो कौन सी प्रोसेस में ऐसा क्या हुआ कि जे लड़का बना जे लड़की बनी, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। फिर स्वाभाविकता या भ्रूण परिवर्तन, जो बच्चा जैसे आज एक छोटा सा स्पर्म एक छोटा सा एग मिला, इतने छोटे हैं कि तुम देख नहीं सकती, एग और स्पर्म बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं भाई, समझ रहे कितने छोटे, 1 ml सीमेन में 1,00,000 स्पर्म होते हैं, मतलब एक ड्रॉप में 1,00,000 स्पर्म है, तो अंदाज़ा लगा लो कितने छोटे होते होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, समझ गए। तो ये फिर अपरा के कार्य, अपरा मतलब जानते हो प्लेसेंटा, मम्मी के पेट से बच्चे में एक नाड़ा जुड़ा हुआ रहता है, जब प्रसव एवं दूध स्राव, प्रसव मतलब क्या होता है, जब बच्चे का टाइम पूरा हो गया तो अंधेरे कमरे से उजाले में आना, अंधेरा कमरा समझ गए। और दुग्ध स्त्रावण मतलब कि जब बाहर आएगा तो दांत मात तो है नहीं, तो उस टाइम पे क्या करेगा, दुग्ध पान। तो ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आप जब नोट्स बनाओगे तो लिख लोगे। आज हम करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। चलिए, तो यदि हम बात करें बेटा इंट्रोडक्शन की, तो देखो जनन आप लिख लेना, क्लियर। यह वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। मतलब जनन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि गाय के पेट से सांप पैदा हो गया, कभी देखे हो किसी आंटी के यहाँ से एक पैदा हुई बाहर आके बोल रही मैं ऐसा नहीं होता, होता क्या कभी, ऐसे क्यों देख रही, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब कि सेम संतति से हमेशा, मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर सकता हूँ, कभी भी कहीं बकरी मकरी हो तो आप जाके देख सकते हो, किसी बकरी से कोई लल्ला नहीं पैदा होगा, समझ गए, हमेशा सेम संतति पैदा होगी और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है, याद रखना मानव एक लिंगी प्राणी है, यदि मानव को दो लिंगी बना दिया, समझ गए, मानव यदि दो लिंगी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, छक्के रहते ना, दे दे तेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, ऐसे हो, शादी वाले खोबो बदरे डूब गई। क्योंकि नर व मादा जननांग अलग अलग प्राणी पर होते हैं। एक लिंगी क्यों होता है, क्योंकि नर में नर वाले होंगे, मादा में मादा वाले होंगे। मानव में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता मतलब अलग अलग सेपरेट, मेल में मेल वाले, फीमेल में फीमेल वाले। फिर नर में मूत्र जनन छिद्र सिस्न, ये मैं सही तो लिखा था, नर में मूत्र जनन छिद्र सिस्न या पेनिस पर पाया जाता है, जबकि मादा में सिस्न अनुपस्थित होता है। क्लियर, मतलब नर में क्या होता है, सिस्न पाया जाता है, मादा में अनुपस्थित होता है। दूसरा, नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं, मादा में वृषण कोष अनुपस्थित होते हैं। नर में टेस्टिस पाया जाता है, मादा में टेस्टिस नहीं होता। फिर मादा में मूत्रोजनन छिद्र दरार के रूप में होता है, जिसे भग या भग, भग मतलब किसको बोलते हैं, युगला मतलब वेजाइना वाला पार्ट जो होता है। क्लियर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मादा में मूत्र जनन छिद्र दरार के रूप में पाया जाता है, जिसे भग या युगला कहते हैं। नर में अनुपस्थित होता है। फिर मादा में स्तन ग्रंथियां अधिक विकसित होती हैं, जबकि नर में कम विकसित होती हैं। तो बेसिक बेसिक डिफरेंट हो गया किसमें, नर और मादा में। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, जो कि बहुत है, देखते हैं, सुनो। अब यदि हम बात करें कि नर और मादा इंट्रायूटेराइन लाइफ, हम पूरा समझेंगे बहुत अच्छे से कि कैसे वो नर बना, कैसे मादा बना, कब, मत खाओ, खा खा के उसका कचूमर निकाल दिया। सुनो बेटा,
यदि हम बात करें, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसको लिपस्टिक लगा दूं बिंदी भी, समझना है। ये वाला अपना, इसका नाम है, इसका नाम है टुक टुक, इसका नाम है रिमझिम, इसका नाम है टुक टुक, इसका नाम है रिमझिम। टुक टुक के पास क्या है? एक्स और वाई। रिमझिम के पास क्या है? एक्स और एक्स। मतलब ये क्या है? कन्या और ये मेल कन्या, समझ गए? ये अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मादा, लिख रहा हूं नर, और ये हो जाएगी मादा। अभी समझना बेटा, अभी ये दोनों सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ क्लास में हैं, मादा, अभी ये दोनों सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ क्लास में हैं। जब ये दोनों नाइन्थ क्लास में हैं तो सुनो ना एक काम की बात, जब ये दोनों नाइन्थ क्लास में हैं तो इनके उम्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन शुरू होते हैं, जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब नर में नर करेक्टर डेवलप होते हैं, मतलब दाढ़ी मूछ का आना शुरू होता है, और मादा में मादा करेक्टर डेवलप होते हैं, जिसमें मादा करेक्टर में मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह का डेवलपमेंट शुरू होता है, यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन में हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेल का जो प्यूबर्टी एज होता है, ये आपके एग्जाम में आता है प्यूबर्टी, समझ गए? तो जो नर का प्यूबर्टी होता है, ये होता है 14 से 16 साल। 14 से 16 साल की एज में जो नर होता है, जो मतलब मेल होता है, उसमें मेल वाले कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, उसके शरीर में मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह आने लगते हैं, और इसमें मतलब पापा वाले थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स, मतलब उसके पापा के कपड़े और जूते आने लगते हैं इस एज में, क्लियर? यदि हम बात करें फीमेल, तो फीमेल में होता है 13 से 15 साल। फीमेल में 13 से 15 साल के एज में ये कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, क्लियर हुआ? अब कभी कभी क्या होता है, फीमेल में एक चीज और याद रखना, फीमेल में एक एज होती है जब पहली बार पीरियड्स आते हैं। फीमेल में जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मीनार्क, हिंदी और इंग्लिश सेम नाम है, हिंदी में भी लिखोगे तो मीनार्क ही लिखोगे, हेलो लिखोगे ना, तो मीनार्क जब पहली बार पीरियड शुरू होते हैं, जो फर्स्ट बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ब्लीडिंग जब पहली बार पीरियड शुरू होते हैं, उसको हम बोलते हैं मीनार्क, जो कि उम्र होती है 13 साल, 9th या 8th क्लास, क्लियर? उसके बाद इसका जो लास्ट वाला पीरियड होता है, इस पीरियड को हम बोलते हैं मीनोपोज, ये होती है लगभग 50 साल, मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लास्ट बार ब्लीडिंग जब होती है, जो कि लगभग होता है 50 ईयर, बहुत बार एग्जाम में आता है। मतलब कोई भी गर्ल्स, कोई भी लेडीज 13 साल के पहले और 50 साल के बाद माँ नहीं बन सकती। माँ बनने के लिए पीरियड्स आने जरूरी हैं, जब पीरियड्स आएंगे तो ही वो माँ बन सकती है। मतलब याद रखिएगा, किसी भी गर्ल्स को यदि माँ बनना है तो उसका मीनार्क और मीनोपोज के बीच का कंडीशंस होना चाहिए, क्योंकि जब ब्लीडिंग आती है तो फीमेल बॉडी से एग रिलीज होता है, एग निकलता है, समझ गए? और एग क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, जनन के लिए मदद करता है, समझ गए? तो याद रहेगा ना जी, प्यूबर्टी क्या होता है? नर में नर करेक्टर, मादा में मादा करेक्टर। नर करेक्टर क्या होते हैं? दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारीपन होना, मसल्स का मजबूत होना, तीनों पॉइंट लिख लेना,
मैं वीडियो में है, लिख लेना, मैं काटूंगा नहीं। बोलो क्या क्या? पहला दाढ़ी मूछों का आना, दूसरा आवाज का भारी होना, तीसरी मसल्स का मजबूत होना, ठीक है। एक और पांचवा भी लिख सकते हो, जनन अंग में हेयर्स का आना, जनन अंग में हेयर्स आने लगते हैं। फिर यदि हम मादा की बात करें तो मादा में मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है मादा का, ये नर का। याद रहेगा, मादा में जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेनार्क, जब पीरियड बंद हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये होता है लगभग 13 साल, फिक्स नहीं है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम 13 साल फिक्स है, वो राउंड फिगर वो एज चलता है। तो ये हो जाएगा मेनार्क, ये हो जाएगा मेनोपॉज। अब यदि बच्चा 9th क्लास में है, मतलब ये अपनी इस उम्र के बॉर्डर लाइन पे आ चुका है, और 9th क्लास में ही तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, 9th क्लास में उनकी जब ये उम्र आ गई है तो उनके नैनो से नैन, मतलब सीधी सी बात यह है कि एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। एक बात बताऊं, यदि कोई लड़का को लड़की या लड़की को लड़का अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसा बोलता नहीं हमको तो अच्छा ही नहीं लगता ये वो, तो समझ लेना कि उसमें नेचुरली हार्मोनल लोचा है, मतलब कुछ ये एकदम एक्चुअल फैक्ट बात है भाई। जब भगवान ने ही बनाया तो क्यों नहीं होगा? यदि किसी लड़के को लड़की पसंद है तो उसमें उसकी गलती, अच्छा है ना उसमें लड़के वाले हार्मोन ठीक ठाक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, पता चले लड़की में इंटरेस्ट आ गया, समझ गए जी। तो जैसे ही 9th क्लास में आते हैं तो इनके हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, क्या ना। अब सबसे पहले जब बच्चा 9th क्लास में आता है तो उसके बॉडी के हार्मोन्स निकलना शुरू होता है, और जब हार्मोन्स निकलेंगे तो जाहिर सी बात है लड़कों में, लड़कों के लिए तो हार्मोन्स निकलेंगे नहीं, लड़कों में वो सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो गर्ल्स के लिए अट्रैक्शन पैदा करते हैं, और गर्ल्स में वो हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉयज के लिए अट्रैक्शन करते हैं, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, समझ गए। आओ अब ये 9th पास होने के बाद भैया दोनों पहुंच गए 12th क्लास में, और प्यार गहरा हो गया, तो 12th क्लास पहुंचते पहुंचते गहरा, 12th के बाद अब ये दोनों पहुंच गए कॉलेज में, कहाँ पहुंच गए? और कॉलेज में शुभ विवाह, ठीक है, कॉलेज में हो गया उनका। कॉलेज में जब शुभ विवाह हुआ तो वहां रुकेंगे थोड़ी, जब कॉलेज में उनका शुभ विवाह होगा तो नर में बनेगा शुक्राणु, क्या बनेगा? एंड और फीमेल में बनेगा अंडाणु, एंड इसको हम बोलेंगे स्पर्म, इसको हम बोलेंगे एग, ये हो जाएगा स्पर्म और ये हो जाएगा एग। जब स्पर्म और एग के बीच में जब शादी हो जाती है तो दोनों के बीच में होता है जनन, और जनन की क्रिया में टुक टुक और रिम झिम दोनों शादी के बाद, 12th के बाद शादी हुई, शादी के बाद कहाँ जाएंगे? हाँ, अब वहां गए थे दो, आएंगे कितने? नहीं, 9 महीने थोड़ी रुकेंगे वहां, अढ़ाई ढाई, मतलब कुछ थोड़ा बहुत आधा वाधा कुछ तो कुछ आएगा, मतलब 2 से ज्यादा आएंगे, समझ गए। और घर में कितने दिन रुके? घर में रुकेंगे 9 मंथ और 7 डेज, बहुत बढ़िया, 9 मंथ और 7 डेज रुकेंगे तो कौन आएगा? हाँ, और यहां पे आएगा छोटा सा हैप्पी, यहीं पे होगा, होता ना कुछ मिठाई मिठाई बांटते ना, आया तो लल्ला हुआ ऐसे करके। तो सुनो, टुक टुक और रिमझिम के बीच में कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है क्योंकि दोनों जिंदा हैं, ठीक है। टुक टुक और रिमझिम के बीच में कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिससे तीसरा हैप्पी आता है। अब मैंने हैप्पी इसलिए लिया कि हैप्पी लड़का लड़की दोनों को बोल सकते हैं, समझ गए, तो लड़का भी आ सकता है और लड़की भी आ सकती है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मानव जनन। क्या बोल सकते हैं?
अब टुक टुक के पास ऐसी क्या क्वालिटी थी, रिमझिम के पास क्या क्वालिटी थी, ऐसा क्या हुआ कि ये अपने जाके शुक्राणु और इस मतलब अंडाणु बनाए और नया बेबी आया जिसको हमने हैप्पी बोला, ये सारी की सारी प्रोसेस अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे नर जनन, फिर डालेंगे मादा जनन, फिर इसके सारे ऑर्गन, इसके सारे ऑर्गन। चैप्टर बहुत बड़ा है, चलेगा 10-15 दिन, समझ गए? तो इसको अच्छे से नोट करते चलना, सफिशियंट है। तुम लोग जितना जूलॉजी पढ़ लोगे तो जब तुम लोग मेन कंपटीशन एग्जाम कोई से दोगे ना तो सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब नर कैसे बना, मादा कैसे बना, पेट में कैसे सर्वाइव किया, 9 महीने बाद कैसे वो आया, उसको हम कल याद करेंगे। तो आज तुम लोगों को ये याद रखना जरूरी है, जे आपके एग्जाम में आता है, प्यूबर्टी, मीनार्क, मीनोपोज और आप